कठिन परिश्रम और मेहनत से हर मुकाम को पाया जा सकता है। इसी कथन को सत्य करके दिखाया बलिया जनपद के रशा तहसील क्षेत्र के सुलुई गांव निवासी सर्वदास कनौजिया ने, जो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की तरफ से LLB तथा अन्य परीक्षाओं के विद्यार्थियों की टॉप 10 सूची जारी की गई है, जिसमें रशा ब्लॉक अंतर्गत सुलुई गांव के रहने वाले सर्वदास कनौजिया LLB की परीक्षा में विश्वविद्यालय में टॉप 10 पोजीशन हासिल की है। सर्वदास कनौजिया समाज सेवा के साथ साथ पढ़ाई करते रहे। अब इनकी सफलता पर महाविद्यालय ही नहीं बल्कि क्षेत्र में खुशी का माहौल है। सर्वदास कनौजिया का कहना है कि शिक्षा व्यक्ति को अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करती है, जिसमें ज्ञान शिक्षण के ग्रहण तकनीकी साथ साथ उचित आचरण और विद्या अर्जन का समावेश होता है। वहीं गांव के प्रधान सहित अन्य ग्रामीणों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। जी, मेरा नाम सर्वदास कनौजिया है, मैं ग्राम सभा सुलोई का रहने वाला हूं। आज आपको माला पहनाया गया है, कैसा माला पहनाया गया है? चूंकि अभी 2020 और 21 सत्र में LLB की परीक्षा हुई थी, जिसमें मैं टॉप 10 सूची में आया था यूनिवर्सिटी JNCU चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में, तो उसके उपलक्ष्य में ग्राम के लोगों ने डिसाइड किया कि सर्वदास कनौजिया जी ने गांव का नाम रोशन किया है, तो उनको उनका स्वागत किया जाए। आपने LLB सब्जेक्ट में टॉप किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे आपने तैयारी की, कुछ बताएं युवाओं? तमाम युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी शिक्षा ग्रहण करें, गुणवत्ता वाली शिक्षा ग्रहण करें, और देखिए किसी भी काम को करने के लिए हृदय से लगना पड़ता है, और जब हृदय से लोग लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि वह बहुत ही अच्छा काम करते हैं और कामयाब होते हैं, और टॉप 10 लिस्ट में आना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जो चाहता है कि हम आगे बढ़ें जीवन में, वह कड़ी मेहनत करें, समय से अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उससे पढ़ाई करें, तो जरूर कामयाब होगा। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं परिवार को और अपने तमाम साथियों को, जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कुछ नया करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उन तमाम साथियों को मैं अपना इसका श्रेय देना चाहूँगा। समय आपने राजनीति भी की, पंचायत सदस्य का चुनाव जी, और उसके बाद क्या मन में आया कि आपने वो छोड़ दिया और पढ़ाई पे इतनी लगन लगाई थी? मैं पढ़ाई भी करता हूँ और साथ में समाज सेवा भी करता हूँ। राजनीतिक और समाज सेवा दो अलग चीज़ें हैं, और मैं समाज सेवा करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखा, और पढ़ाई चूँकि 3 साल का कोर्स है तो लगातार अपना करते रहे। 2 सालों तक हम समाज सेवा करते रहे, और अभी फाइनल जब रिजल्ट आया तो सारे सेमेस्टर में टॉप करने के बाद ये फाइनल हमने देखा कि इसमें हम टॉप 10 में आए। मैं ग्राम प्रधान सुलुई दिनेश गुप्ता। आपके ग्राम सभा में एक छोटा सा कार्यक्रम आपने रखा, कैसा कार्यक्रम? जी, आपकी ग्राम सभा में एक कार्यक्रम अभी आपने किया, कैसा कार्यक्रम है? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। कैसा मलापण किया? ये मलापण ये सर्वदास जी ने जिले का नाम रोशन किया है, और हमारे सुलुई ग्राम सभा के छात्रों का भी मनोबल ऊंचा किए हैं। इसके लिए नाम रोशन किया है, ये LLB में जिले का नाम रोशन किए हैं, और पूरे छात्र को जो है प्रोत्साहन किए हैं कि भाई पढ़ें ये लोग, और गांव का नाम भी रोशन करें और जिले का नाम भी रोशन करें। प्रथम व्यक्ति हैं, प्रधान हैं, क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि जैसे सर्वदास जी ने गांव का नाम रोशन किया, उसी तरह बाकी बच्चे भी इनका देखकर और आगे बढ़ने की कोशिश करें। गांव में काफी समस्या होती है बच्चों को पढ़ाई में, जाना पड़ता है, इसलिए आप प्रधान होने के नाते क्या उन लोगों को व्यवस्था? अब व्यवस्था जो विद्यालय में जो है वही व्यवस्था बढ़िया है, चल रहा है, ठीक है,